हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गौरव आर्या शो। आज हम आए हैं वापस आपके पास एक नए मेहमान के साथ, एक नई कहानी के साथ। और मेरे गेस्ट हैं कर्नल हनी बख्शी, द हेड ऑफ द फेमस एंड द लेजेंडरी टीएसडी। सर जय हिंद, और हमारी शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर जय हिंद गौरव। सर टीएसडी क्या है सर, और टीएसडी क्यों, क्या और क्यों, ये मेरे सवाल है सर। TSD का फुल फॉर्म है टेक्निकल सर्विसेज डिवीजन जी, एंड देयर इज नथिंग टेक्निकल अबाउट इट। अच्छा बिल्कुल सर, और बनाने की जरूरत क्यों पड़ी सर इसको? ऐसा था कि एक स्टेज लाइफ में आई थी जब हिंदुस्तान ने अपने ऊपर सबसे बड़ा टेररिस्ट अटैक देखा, 26/11 मुंबई अटैक। 26/11 मुंबई अटैक में क्या हुआ था कि उस टाइम पे दी देन प्राइम मिनिस्टर जो थे वो बहुत डिस्टर्ब हुए थे कि ऐसा कैसे हो गया। एंड व्हाट आई हैव बीन टोल्ड, बिकॉज आई वाज नॉट पार्ट ऑफ दैट थिंग, बट आई वाज टोल्ड दिस बाय द पीपल हु आर इन्वॉल्व्ड इन इट, कि उन्होंने सारी इंटेलिजेंस एजेंसी से पूछा था कि क्या हम इस तरीके का या किसी तरीके का जवाब दे सकते हैं, क्या हम इस टेररिस्ट लीडरशिप को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो सबकी तरफ से जवाब आया कि शायद they were not prepared for this kind of a thing to give a... सोचा ही नहीं सर कभी? सोचा होगा समय समय के साथ। आपको मालूम है कि पुरानी गवर्नमेंट्स ने एसेट्स को भी खत्म कर दिया, ऑर्गेनाइजेशंस की जो मैंडेट था उसको भी लिमिट कर दिया जी। तो उसके लिए हम लोग तैयार नहीं थे इस टाइप के लिए। तो ऐसी सिचुएशन में जो NSA थे उस टाइम, M.K. नारायण जी, उन्होंने आर्मी चीफ को बुला के बोला कि बिकॉज ही हैड सम फेथ कि एक ऑपरेशनल, एक इंटेलिजेंस एजेंसी होती है जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है। आर्मी का एक बड़ा अच्छा सा रोल है कि इट हैज गॉट इंटेलिजेंस सेटअप ऑल्सो एंड इट हैज ऑल्सो गॉट एन ऑपरेशनल टीथ। एब्सोल्युटली सर। उनको लगा कि एक ये कॉम्बिनेशन टाइप करके एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी की जाए जो कि इंटेल भी ले और स्ट्राइक भी कर दे। तो उस बेसिस के ऊपर इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ी करने का सैंक्शन दिया। इसकी डायरेक्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि बीच में चल रही थी कहानी की, नहीं नहीं ये तो किसी ने अपनी मर्जी से खड़ी कर दी, ऐसे कर दी, वैसे ऐसा कैसे पॉसिबल है सर कि अपनी मर्जी से कोई फौज में खड़ी कर, कोई नहीं खड़ी कर सकता जी। तो इसके ऊपर एक ऑप डायरेक्टिव है जी, ठीक है। और फॉर्चुनेटली फॉर मी आई वाज पार्ट ऑफ दिस हिस्ट्री, बिकॉज ये मौका, मैं बड़ा किस्मत वाला हूं कि मेरे को ये जो भार जो मिला, ये जो जिम्मेदारी मिली, ये मुझे मिली। प्रोबेबली मेरा एक फील्ड वर्क के लिए आई वॉज नोन फॉर जी। और जब 26/11 का अटैक चल रहा था, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन उसके अटैक से पहले मेरा एक छोटा सा रोल था उसके अंदर, एंड दैट वाज वन ऑफ द रीजंस दैट माय नेम वाज आल्सो फिगर्ड कि इसको लाना चाहिए जी। मेरा टेन्योर, मैं कलकत्ता में यूनिट कमांड कर रहा था, मैं पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट 9 स्टेट्स देख रहा था। एंड मेरे को एक दिन कॉल आ गया कि आपकी जरूरत है इधर। तो जब गए तो काम समझा क्या था, और ये नाम तब के DGMI ने बड़ा सोच के रखा था कि आपकी प्रेजेंस जो है वो इस तरीके से दिखनी चाहिए कि आप कहीं पे कंप्यूटर वंप्यूटर ठीक करने वाले। वही मैंने टेक्निकल सर्विसेज डिवीजन सर, IT रिपेयर का कुछ मामला है फौज में, कंप्यूटर ठीक कर रहे हैं कि आर्मी हेडक्वार्टर के अंदर यहाँ पे कंप्यूटर खराब हो गया तो आप रिपेयर करने जा रहे हो बेसिकली। अच्छा सर, सॉरी टू इंटरप्ट, मैं एक और बात बताता हूँ। पहली बार मैंने सुना ना रॉ का फुल फॉर्म, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, मुझे लगा लाइब्रेरी के अंदर ना चश्मे वाले 4-5 बंदे बैठते हैं जो रिसर्च और एनालिसिस करते हैं, PhD कर रहे हैं, PhD कर रहे हैं कुछ रिसर्च एंड एनालिसिस। हम लोग ऐसे नाम पता नहीं क्यों देते हैं सर, विच आर सो नॉन थ्रेटनिंग। CIA सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी थ्रेटन होता है, थ्रेट आपने सेंट्रल इंटेलिजेंस, और रॉ का रिसर्च एंड एनालिसिस कि जी एकेडमिशियंस हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, वैसे TSD बिल्कुल जी सर। तो TSD का नाम बेसिकली वैसे पड़ा, रोल काफी हद तक डिफाइंड था, मैं ज्यादा नहीं उसके पास बोल सकता जी। एंड आते साथ ही लिटरली वो ट्रायल बाय फायर होता है जी। तो हम पहुंचे थे और उतने में एक दो बॉम्ब अटैक्स हो गए इंडिया के अंदर, एक कश्मीर के अंदर पथराव बहुत बुरी तरीके से चालू हो गया। फॉर्चुनेटली रेपुटेशन अच्छी थी तो हमको ही बुला के टास्क दे दिया कि इसको सॉर्ट आउट करो, तो वी वर सक्सेसफुल। इनफैक्ट मेरा एक ऑफिसर है, बहुत नोन स्काई डाइवर है, उसको तो सेना मेडल डिस्टिंग्विश्ड सर्विस भी मिला उस कश्मीर ऑपरेशन के लिए, पथराव को कंटेन करने के लिए। एंड वी ग्रेजुअली स्टार्टेड, ठीक है, वी वर गुड, वी वर डूइंग इट, वी वर इम्पैक्ट हुआ सर TSD का, बहुत इम्पैक्ट हुआ।
आप इनफैक्ट मैं जैसे पिछली बार भी कहीं बता रहा था कि जब मेरे ऊपर इतना कुछ चलने लगा, फिर मैंने भी पढ़ना चालू किया कि शायद दुनिया को मुझे मेरे बारे में मुझसे ज्यादा पता है। आपका नामकरण भी कर दिया पब्लिक ने। सर क्या नाम दिया था आपको? मुनीश्वरनाथ। मुनीश्वरनाथ जो कि आपका नाम नहीं है। बिल्कुल नहीं है। उसको नाम से आई थिंक क्या कहानी हुई थी कि एक दिन एक्चुअली मेरे को डीजीएमआई ने बोला था कि वो आपकी फोटो वोटो ढूंढ रहे हैं, कुछ मीडिया के बंदे हैं और उन्होंने एडीजीपीआई अपना जो दफ्तर होता है जहां पे मीडिया सेल है अपना, उनसे मेरी फोटो मांगने की कोशिश की थी। तो बोला तुम ध्यान रखना। तो मेरे को लगता है मेरे एक मौसा हैं, उनका नाम मुनीश्वर था, तो मैं उनके घर गया हूंगा और somebody would have followed me। उसने बाहर बोर्ड पढ़ा होगा कर्नल मुनीश्वर बख्शी और उसने जो है सोचा, उसने उसमें ये नहीं देखा कि लेट रिटायर्ड उन्होंने सीधा बोल दिया सीधा जी इसका नाम। देखो हनी एक ऐसा नाम है जो बड़ा इट्स अ यूनिक नेम, जनरली मिलता नहीं है। एक्चुअली हम दो ब्रदर्स हैं, सनी और हनी। अच्छा सर, दैट्स हाउ द नेम इज। बोथ फौजी सर? बोथ फौजी। अच्छा, आपकी तो पूरी फैमिली फौज में है, मदर साइड फादर साइड एवरीबॉडी इन द फौज। एवरीबॉडी इन द। अच्छा सर एक बात बताइए, कितना डिफिकल्ट था, मैं क्यों पूछ रहा हूँ आपसे सवाल, और मेरे मन में सवाल था, मैंने जिस दिन से मैंने सोचा था ना कि सर विल दिस थिंग, यू नो, जब मेरी बात हो रही थी एडिटोरियल से कि दे सेड दैट वी शुड कॉल कर्नल बख्शी एंड व्हाट, तो मेरे दिमाग में एक बात, एनीथिंग न्यू इन द आर्मी सर? और मुझे पता है मैं बड़ी डांट पड़ने वाली है और वेटरन्स ने बहुत डांटना है मुझे इस चीज को लेके, बट एनीथिंग न्यू इन द आर्मी, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम फॉर द आर्मी, एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होती सर। सी, एक नेचर है, ह्यूमन नेचर है ये, इट्स नॉट अबाउट द आर्मी अलोन, यू गो एनीवेयर, ह्यूमन नेचर है रेजिस्टेंस टू चेंज, और हर आदमी एक अपने कंफर्ट जोन में है। अचानक उसको ये लगे कि उसके ऊपर किसी और को बिठा दिया है या उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसी को दे दी है। आपको अगर याद हो एक ये भी निकला था, नहीं नहीं कि पूरे इंडियन आर्मी का जो सीक्रेट फंड्स हैं वो टीएसडी को दे दिए गए, ठीक है। अब वो कैसे सीक्रेट फंड्स की इंफॉर्मेशन बाहर जा रही थी, किसको कितना मिल रहा है, ये फिर उसमें सीक्रेट रहा क्या, मेरे को ये आज तक नहीं समझ में आया। और नाम सीक्रेट फंड है। और नाम सीक्रेट फंड है, ठीक है, इससे ज्यादा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का बहिष्कार और कहीं नहीं हो सकता। अच्छा सर एक बात बताइए, आई विल टेक द लिबर्टी ऑफ आस्किंग यू दिस, ये जो हम कहते हैं टीएसडी फॉर्म हुई सर, व्हाटएवर यू कैन शेयर विद अस सर, कि इनिशियली क्या स्ट्रगल रहा टीएसडी को फॉर्म करने का, क्योंकि जब भी कोई न्यू रेजिंग होती है सर, इसके पहले टीएसडी एग्जिस्ट नहीं करती थी, यू वर द फर्स्ट एंड द ओनली कमांडर ऑफ टीएसडी सर, तो आपको, क्योंकि सर फौज में एक स्ट्रक्चर है ना सर, अगर एक सेक्शन है तो उसके ऊपर तो प्लेटून है, उसके ऊपर एक कंपनी है, उसके ऊपर बटालियन है, फिर ब्रिगेड है, फिर डिव है, फिर कोर है, फिर कमांड, ऑल दैट, इट्स अ पिरामिडिकल स्ट्रक्चर सर। अब टीएसडी हेडेड बाय अ कर्नल आउट ऑफ थिन एयर, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? आई अंडरस्टूड। देखिए क्या होता है, आपने जो बोला, हम लोग एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम में है, हमारी एक अपनी लॉजिस्टिक टेल है, बहुत सारी चीजें जो हमको विरासत में मिलती हैं जी, वो विरासत से हम वंचित रहे, हम आए और हमें छोड़ दिया गया, ना हमारे पास सरकारी अकोमोडेशन, ना हमारे पास सरकारी गाड़ी, ना हमारे पास कोई सरकारी तरतीब, ठीक है, और ऊपर से रिपोर्टिंग डायरेक्टली दो सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स को। किसको सर? डीजीएमआई और चीफ को। अरे ठीक है, तो आप ये देखिए कि जो हेडक्वार्टर और हमको टेक्निकली किसी एक सेक्शन के साथ अटैच किया हुआ है, अब वो कहता मालिक तो मैं हूं, ठीक है, ठीक बात है, और मेरे को क्यों नहीं रिपोर्ट करता? अब उसको क्या बोले, मेरे को ऑर्डर्स हैं कि मेरी जो भी चीज होगी वो किसी और से डिस्कस नहीं होगी, वो सिर्फ दो के पास ही बात जाएगी, ठीक है। ग्रेजुअली हाँ, जैसे हमारे पास कई इतनी इन्फॉर्मेशन आती थी जो कि हम लोग इसमें शायद अगर डायरेक्टली इन्वॉल्व ना भी हो, तो मैं इतना जरूर करता था कि मैं जिस डिपार्टमेंट या जिस सेक्शन का होता था उसके साथ शेयर कर लेता था। सर कोई ऑपरेशन के बारे में बताइए ना, बिकॉज यू हैव बीन इन द नॉर्थ ईस्ट, यू हैव बीन वैली सर। मैंने अपनी जब नौकरी चालू करी 1988 में कमीशन हुआ था, 89 में वो एक कंपलसरी हमारी जो इन्फेंट्री अटैचमेंट होती है, हाँ जी सर, वो करी। और आपने किसके साथ करी सर? मैंने जाट यूनिट के साथ की थी एक, और बहुत बढ़िया जगह पे की थी, मतलब मैं क्या, शायद मैं बहुत किस्मत वाला रहा हूँ, मैंने इतनी हिस्टोरिकल, जब हिस्ट्री बदल रही थी तो मैं था उधर, कुछ किस्मत थी। तब ये वांगडोंग वाला केस हुआ था, आपको याद होगा, जब चाइनीज इंग्रेशन हो गया, जी जी बिल्कुल, तो हम लोगों ने रीडिप्लॉय किया, इनफैक्ट 27 साल के बाद फौज वापस उस इलाके में गई 62 की लड़ाई के बाद, उसके बाद कोई गया ही नहीं था, तो हम लोग उस जगह में गए, हमने लिटरली जो 62 जैसा छोड़ा गया था वैसा ही मिला। और आज मैं देखता हूँ ट्विटर पे लोग फोटो डालते हैं, जी मैं इधर हूं, मैं उधर हूं अरुणाचल में, मैं कहता हूं मेरे को 4 दिन लगते थे पैदल
रोड हेड से अपनी लोकेशन तक पहुंचने में। सर अभी दौलत भाई गोल्डी तक रोड बना दी इन लोगों ने, एक टाइम पे हफ्ते लग जाते थे पहुंचने में डीवीओ से। हम लोग जब पहली बार जब पहुंचा हाईल्टीट्यूड था सर, 10,000-12,000 फुट की हाइट थी, और हमको पहले दिन ही बोल दिया था कि आप जो एक साल के लिए अपनी पीठ पे लाद के ला सकते हो वही ले आओ, मतलब यू हैव टू बी बेयर एसेंशियल। और वो हमारे पास वो लिबर्टी नहीं थी, जब आपको इतने हल्के वो मिलते हैं क्या कहते हैं स्लीपिंग बैग्स, वो रजाई नुमा स्लीपिंग बैग होते थे, भारी भारी पुराने सर, मोटे वाले, मोटे वाले, ठीक है। और मेरे जैसा लंबा आदमी मेरे तो लेंथ का नहीं मिलता था, टांग घुसेड़ो तो सर बाहर, सर घुसेड़ो तो टांग बाहर, ठीक है। तो वहां किया, फिर उसके बाद उन दिनों लंका के ऑपरेशंस चल रहे थे पवन सर, पवन में, तो मेरी वहां से पोस्टिंग लंका की आई थी। बट लंका का क्या हुआ कि इमीडिएटली तब तक खबर आ गई थी कि लंका से विड्रॉल चालू हो जाएगा, तो बोला आप नॉर्थ ईस्ट चले जाओ। नॉर्थ ईस्ट पहुंचा तो बोले जी यहां पे भी जरूरत नहीं है, आपकी यूनिट जो है रातों रात मूव कर दी गई है कश्मीर। तो हम पीछे पीछे कश्मीर, श्रीलंका, नॉर्थ ईस्ट कश्मीर। मेरा 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 बड़ा भाई एडीसी था, गवर्नर तमिलनाडु का, और हमारा टैक हेडक्वार्टर जो था लंका वाला वो चेन्नई में था, तब मद्रास। तो मेरा सामान मैं बुकिंग से मद्रास भेज चुका था। अब मेरी हालत देखो कि सामान वहां पड़ा है, मेरे को अगले दिन ऑर्डर आता है कि नहीं जी आपकी पोस्टिंग कैंसिल हो गई, आप जा रहे हो ईस्ट। तो किसी तरीके से मैं ईस्ट पहुंचा, भाई ने वहां से सामान भेजा बुकिंग करके, जब तक ईस्ट पहुंचे तब तक बोला नीचे अभी यूनिट पहुंच गई लंका, वो सामान कहाँ गया पता ही नहीं, वो बक्सा आज तक ढूंढ रहा हूं मैं। अच्छा सर एक बात बताइए, फिर आपके ऊपर अटैक भी हुआ था सर, यू आर मिरेकुलसली सेव्ड अ फ्यू टाइम्स। मेरे ऊपर तीन अटैक हुए आईडीज के, एक बार 1992 में हुआ, जनरल जे जे सिंह तब ब्रिगेड कमांडर थे, ब्रिगेड जे जे सिंह 79 ब्रिगेड कमांड कर रहे थे, और हम दोनों नहीं बारामूला 79 ब्रिगेड सर, 79 ब्रिगेड बारामूला 19 डिव। ओके, एक्चुअली उन दिनों में क्या था, एक परसेप्शन चला दिया था कि फौज फौज फौज, इतनी फौज थी नहीं, फौज वैली में वही थी जो कि एलसी पर डिप्लॉयड थी मोस्टली सर, मोस्टली आरआर अभी बनी नहीं थी, आरआर बहुत बाद में आई है सर, फर्स्ट ऑफ द इनिशियल वो 92 में चालू हो गया था स्ट्रक्चरिंग, एक ब्रिगेड सेक्टर कमांडर आ गया था, बैठ गए थे, बट एक शायद रेजिमेंट मेरे चलते चलते एक बटालियन आ गई थी, ठीक है, उनकी भी कोई खास वो नहीं थी, उनकी ड्यूटी वाज मोर टू लुक आफ्टर इंस्टॉलेशंस, उसके बाद ग्रेजुअली इन लोगों ने काम किया है। 92 में दो ब्रिगेड्स जो थी, रिजर्व ब्रिगेड जो थी वो अवेलेबल थी, तो 79 ब्रिगेड हमारे पास थी जो कि 19 डिव के साथ इंटरनल ऑपरेशंस के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। तो मैं जनरल जे जे, मेरे को तब ब्रिगेड जे जे, वो खुद जोंगा चला रहे थे, इनफैक्ट ये आज भी कि जोंगा चलानी आती है, मैं कैसे जीप आती है जोंगा नहीं चलाई कभी। अच्छा। तो बोला तू बैठ साइड में, मैं चलाता हूँ। एंड बारामूला के अंदर एक वुमेन्स कॉलेज है जी। इन लोगों ने बड़ा स्ट्रेटेजिकली एक ट्रक खड़ा किया हुआ था, और ट्रक की पोजिशन ऐसे थी कि हम उस ट्रक और स्कूल कॉलेज की जो दीवार है उसके बीच में से गाड़ी ले जाएंगे। फॉर्चुनेटली जनरल जे जे ने गाड़ी को इंस्टेड ऑफ उधर से ट्रक के पीछे से ले लिया और साइड से एकदम आईडी फटी, उसमें हम बच गए। आप और जनरल जे जे दोनों एक ही गाड़ी में थे? हाँ, दोनों एक ही गाड़ी में थे हम। At that time he was brigadier sir. He was a brigadier. He must have been a youngster sir. कितनी नौकरी थी 92 में, 3 साल? वही 3-4 साल। वो बरसाती कप्तान थे। हाँ सर। बड़े दिनों के बाद ये वर्ड सुन रहा हूँ सर, बरसाती। हम भी बरसाती मेजर थे। हाँ सर। दूसरी नागालैंड में हुई थी। फॉर्चुनेटली अगेन पता नहीं किस्मत की बात है, मैं गाड़ी में बैठा था, मेरा जो स्पॉटर था सोर्स वो था, बंदे थे, और हम लोग एक जगह से निकले, उतने में जो सीओ पीछे था यूनिट का, उसने गाड़ी रुकवाई और बोला कि बख्शी आजा तेरे साथ डिस्कस करना है कुछ। मैं गाड़ी में पीछे आया हूँ और सामने वाली गाड़ी उड़ गई, दे लॉस्ट अ लॉट ऑफ पीपल इन दैट, दे लॉस्ट अ लॉट ऑफ पीपल। फिर तीसरी आईडी मैं, ये भी किस्मत है ना सर, किस्मत है, एक्चुअली किस्मत है। तीसरी आईडी मैं फिर सेकंड टेन्योर वैली गया, मैंने मेरे वैली के टेन्योर बड़े लंबे लंबे रहे, 40-40, 42-42 महीने के। सेकंड टेन्योर जब गया तो जाते साथ ही वो यात्रा कि आप पहले पूरा एरिया करो, तो बडगाम से होके मैं कस्बा बीरू गया था, कस्बा बीरू से एक मुझ पत्थर करके लोकेशन आती है कश्मीर में, साउथ कश्मीर में दो मुझ पत्थर है, और उधर से निकले हैं मुश्किल से 600-700 मीटर गए होंगे भड़ांग करके, वो प्रेशर आईडी थी उसकी, क्या कहते हैं अपना प्रेशर कुकर वाली सर। तो उन्होंने क्या किया था कि कच्ची सड़क के नीचे लगाई थी और उसके ऊपर रोलर चला दिया था, तो किस्मत से वो आईडी का जो लेवल था, वो जो प्रेशर कुकर था, वो बेंड हो गया, सो व्हेन इट ब्लू सो द एंटायर थिंग वेंट इनटू द इंजन। अच्छा सर। 6 पीपल सिटिंग इन द व्हीकल, एक खरोंच नहीं आया, सिर्फ एक नीचे से
वो निकल के कंकड़ ड्राइवर के जूते के सोल में जाके फंसा. हाँ, बिकॉज ऑफ द ब्लास्ट इफेक्ट पीठ फूट में झटके आ गए. वो दैट पेन स्टिल टेस्ट. सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये सब जब आपने टेक्निकल सर्विसेज डिवीजन बनाया तो यू वर रिपोर्टिंग, यू सेड टू डीजीएमआई एंड चीफ एंड देयर वाज नोबडी एल्स. नोबडी एल्स. देयर मस्ट हैव बीन अ ह्यूज लेवल ऑफ, एंड आई रिस्पेक्ट द फैक्ट आपने पहले ही मुझे बोल दिया था, गौरव डोंट आस्क मी अबाउट टीएसडी, तो हम वी आर नॉट आस्किंग एनीथिंग डायरेक्टली अबाउट एनी ऑप ऑफ टीएसडी सर, बट वॉट आर द चैलेंजेस यू फेस्ड इन सेटिंग अप दैट ऑर्गेनाइजेशन. आपको सेटअप करने को, जैसा आपने बोला सर, कोई घर नहीं था, अकोमोडेशन नहीं था, कुछ भी नहीं था, प्लस ऑल्सो द फैक्ट दैट मेनी पीपल वोंट हैव लाइक द फैक्ट दैट हु इज दिस कर्नल साहब. यू नो सर, जनरली कर्नल्स डोंट गो अप इन फ्रंट ऑफ द चीफ. कर्नल्स कैसे, ब्रिगेडियर्स डोंट गो अप इन फ्रंट ऑफ द चीफ. कोई जनरल वनरल, कोई इफ समबडी गोज, यू नो, एंड इट्स अ ह्यूज डील. ऐसा होता है, क्या होता है कि जैसे मैं शुरू शुरू में चीफ को रिपोर्ट करने जाता था, कुछ ना कुछ बात होती थी हमारे अंदर जाना पर्सनली, तो बाहर एमए का दफ्तर होता है तो वहां पे कई लेफ्टिनेंट जनरल बैठे होते थे. अच्छा, दोनों तरफ से डायरेक्शंस थी कि अगर ये आता है तो सीधा एंट्री है, यू विल बाईपास एवरी बिकॉज टाइम एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द जॉब. नेचुरली एज अ कर्नल अगर मैं जा रहा हूं तो द जॉब विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बट आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि आई वॉज नॉट बींग वेरी वेलकम्ड बाई द पीपल सिटिंग अराउंड देयर, एंड द फास्टर यू लर्न इट द बेटर इट इज. तो मैंने फिर नए तरीके ईजाद किए, जैसे चीफ आते थे लंच करके तो बाहर मेन गेट पे उतरते थे, मैं गेट पे पकड़ लेता था उनको, और वहां से उनके दफ्तर तक पैदल चलते हुए जो डिस्कस होता था वो हमारा 3-3.5 मिनट की जो वॉक थी उसके अंदर डिस्कशन. मैनेजमेंट इज कॉल्ड द एलिवेटर टॉक सर, कि जब यू मीट समबडी बिग एंड यू वांट समथिंग ना सर, आपके पास उतना ही टाइम है, वो 3 मिनट. और चीफ वहां पे ही अलाइट्स, ही गेट्स ऑफ, ही वॉक्स, गेट्स इनटू द लिफ्ट, गो टू हिज ऑफिस, एंड ऑफ स्टोरी. उतना ही टाइम है, उस लेवल पे उतना ही टाइम चाहिए होता है, बिकॉज यू आर नॉट टॉकिंग कि सर और क्या हाल चाल है, फैमिली के क्या हाल है. कुछ लोग होते हैं ना जो फोन पे और क्या और क्या, वो और क्या वाला होता है. आर्मी चीफ ऑब्वियसली और क्या तो होगा, और क्या नहीं होता है. आप गए, आपने अपनी बात बताई, अगर उन्होंने कुछ बोलना होता है तो वो बता देते, या वो बोल देते थे कि ऐसा ऐसा करना, शाम को घर आ जाना, वी विल डिस्कस इट देयर. तो शाम को फिर नेचुरली 3 मिनट की जगह 7-8 मिनट मिल जाते थे. अच्छा, चलिए सर, ये बढ़िया सर. ये पूरी उस समय सर जनरल वीके सिंह वाज़ द चीफ, ही वाज़ द चीफ, एंड दैट वे सर ऑल सड एंड डन अ मैन ऑफ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शंस. मैं एक बार मिला उनसे, स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन एंड अ वेरी वेरी फर्म हैंडशेक सर. मैं अगली बार जनरल वीके सिंह से मिलूंगा सर, हाथ नहीं, ही ऑलमोस्ट ब्रोक माई हैंड सर, इतना बड़ा पंजे जैसा हाथ है, ही इज सो स्ट्रॉन्ग. आई सेड जयंत सर, ओ हेलो जयंत गौरव, मेरा हाथ, मुझे लगा मेरा हाथ वापस पता नहीं आधा ही आया है, इतनी जोर से हाथ दबाए. बट कमिंग टू द पॉइंट सर, आप किस्मत वाले हो, आपने हाथ तो मिला, हम तो सलूट ही मारते रह गए. फौज छोड़ चुका था सर, तो ही वाज काइंड सर, ही हैड कम फॉर अ फंक्शन. सो मैं ये जानना चाह रहा था सर कि एनएसए से हुक्म आया टेक्निकल सर्विसेज डिवीजन शुरू करो, बिकॉज ऑब्वियसली ही माइट हैव डिस्कस्ड विद द प्राइम मिनिस्टर एंड व्हाटएवर. जनरल वीके सिंह की तरफ से क्या ब्रीफ था, व्हाट इज दैट यू कैन शेयर विद अस, बाकी सब सीक्रेट है, कॉन्फिडेंशियल है, व्हाटएवर यू कैन शेयर विद अस, ब्रीफ क्या था. इट वाज क्वाइट एन ओपन एंडेड ब्रीफ बेसिकली. We had to ensure that the enemies of the nation are put to where they're supposed to be. That's it. वो सर अक्सर लोग कहते हैं ना कि I was speaking to some very senior person sir in one of the services and he said that in our job there are no red lines sir. Actually there were no red lines. I mean whatever you think, जो भी देश के फायदे में कर दो. Exactly. नफा नुकसान बाद में देखेंगे. Exactly. So, मतलब हम जैसे आए थे, अब कश्मीर में पथराव हो गया चालू तो वो भी दे दिया गया. ऐसे कई और इंसिडेंट्स चलते रहे नॉर्थ ईस्ट के अंदर. अगर आपको याद हो कि एक चाइना से वेपन्स आ रहे थे, एक एनएससी एनआईएम ने $8 मिलियन की पेमेंट की थी, तो वो हथियार आने से रोकने थे, वो भी रोके गए. ऑफ कोर्स बाद में दे डिड कम इनसाइड वंस टीएसडी वाज ओवर. सर, ऑपरेशंस के बारे में बताइए ना, कैन यू डिस्कस सम ऑपरेशंस. एक इट्स नॉट पार्ट ऑफ टीएसडी बट इट्स अ डिफरेंट ऑपरेशन. टीएसडी विल नॉट टच. नो, इट्स नॉट अबाउट दिस. एक ऑपरेशन हुआ था जिसके अंदर की 28 बटालियन उल्फा का सीज फायर करा दिया गया था. वन ऑफ दी जो उनमें एक हवलदार मेजर, सर्जन मेजर टाइप लेवल का आदमी था, सर्जन टाइप जरूर, सिर्फ टेली कह लो, बट सर्जन मेजर भी उधर रैंक मायने रखती है क्योंकि अमेरिकन सिस्टम है ना, बीच उनके नायब सूबेदार सूबेदार वाला सिस्टम नहीं है. सर, तो जब ये सीज फायर हुआ तो उसकी वाइफ म्यांमार में थी उल्फा के कैंप के अंदर.
उल्फा का जो लीडरशिप थी उन्होंने इसको मैसेज भेजा कि हम तेरी बीवी और बच्चे को मार देंगे अगर तुमने सीज फायर छोड़ के वापस नहीं आए। वो हमारे पास आया, उसने बोला कि सर आपके भरोसे पे आए थे, ऐसे भरोसा नहीं टूटने देंगे। हमने ऑपरेशन प्लान किया, मेरे पास एक बहुत अच्छा अफसर था उस टाइम पे दिनजान में, ऑल क्रेडिट टू हिम एंड जीओसी को उस पे दिया बोर्ड पे। इनफैक्ट कोर कमांडर वाज बली जसवाल सर। अच्छा सर, ठीक है। एंड जनरल वीके वाज ऑफ कोर्स द आर्मी कमांडर। उस लेवल पे हमने बहुत प्यारा ऑपरेशन प्लान किया। आई नॉट गेट इनटू द डिटेल्स, बट यस वी यूज्ड द हेल्प ऑफ अनदर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। वी टुक द हेल्प ऑफ अनदर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऐसा होता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे आदमी भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि हर कोई बुरा होता है। उनका एक अपना कॉज है, उनका एक अपनी रीजंस है, बट एंड इट वाज अ 5 डेज वॉक इन एंड 3 डेज वॉक आउट, द लेडी वाज रेस्क्यूड। चलिए सर, द फैमिली मस्ट बी ब्लेसिंग यू। सर ऐसा है कि इट्स नॉट अबाउट ब्लेसिंग, इट्स अबाउट अ जॉब, वी आर प्रोटेक्टर्स एंड फिर भी बड़ी बात है सर, बड़ी बात है। यू पुट योर लाइफ ऑन द लाइन टू सेव समबडी। मारना तो आसान है सर, मारना तो मैं कहता हूँ सबसे आसान काम मारना है, बचाना सर, बचाना बहुत मुश्किल। 5 डेज इन 3 डेज आउट सर। 5 डेज इन 3 डेज आउट सर। टीएसडी बनता है, टीएसडी ने जो भी ऑपरेशंस करे सर, ये अयारी फिल्म वही थी ना सर आपकी, ये टीएसडी के ऊपर। तो मैं आपसे एक दो बातें पूछना चाहता हूँ सर इसके बारे में, प्लीज आंसर ओनली इफ यू आर कंफर्टेबल सर। जो टीएसडी की आपने टीम तैयार करी, ये आपने कैसे तैयार करी सर? क्या माइंडसेट आप देख रहे थे कि मैं इस अफसर को लूंगा तब मैं, दिस इज व्हाट ही विल डू एंड दिस इज द माइंडसेट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द टेक्निकल क्वालिफिकेशन सर, दैट विल बी सीक्रेट। आई एम टॉकिंग अबाउट द माइंडसेट सर, हु आर यू लुकिंग फॉर? ऐसा है कि आई वॉज फॉर्चुनेट, क्योंकि मेरी बहुत नौकरी थी, वो 31-32 ईयर्स इन द इंटेलिजेंस, मिलिट्री इंटेलिजेंस, और मेरे को हर व्यक्ति की जो मैंने लिया उसकी कोर कॉम्पिटेंसी पता थी कि उसकी कैपेबिलिटी क्या है, क्योंकि ओवर द ईयर्स आप अपने नेटवर्क्स बना लेते हो, आप अपने एसेट्स बनाते हो, हर आदमी की एक कितना जिगरा है, देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन स्टुपिडिटी एंड ब्रेवरी। ठीक है, ठीक बात। एंड आई नीडेड टू फाइंड पीपल हु आर स्टुपिडली ब्रेव। ठीक है, क्योंकि अगर आदमी थोड़ा सा सोच में पड़ जाए कि मैं कैसे करूं तो वो नहीं कर सकता। एंड मजेदार बात ये थी, जनरली क्या होता है कि जब आदमी एक लेवल पे पहुंचता है तो वो एक अपने लिए सेफ एनवायरनमेंट बनाता है। आप नोट करेंगे कि इसका फलां फलां स्टाफ ऑफिसर जो है वो स्टाफ कॉलेज पास्ड है, इसका जो है हायर कमांड पास्ड है, इसका इज एन ऑर्गेनाइजेशनल मैन। व्हेन आई से ऑर्गेनाइजेशनल मींस वो हर चीज को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकता है। ही हैज टिक्ड ऑल द बॉक्सेस सर। ही टिक्ड ऑल द बॉक्सेस। मेरे पास सारे के सारे, एक ऑफिसर, दो ऑफिसर को छोड़ के, एक मैंने सेलेक्ट की नहीं किया था, वो एडीजी ने पहले कर लिया था सेलेक्ट। ही हैड अ प्रोफाइल, ही वाज एक्स एनएसजी, ही वाज अ ब्रेव मैन, बेसिकली वेरी वेरी ब्रेव मैन। उसको आप कहीं घुसेड़ दो वो घुस जाएगा, वो एक बार आंख मूंछ के नहीं देखेगा कि आपने बोल दिया कि इधर चले जा। अगर कमरे में 3 टेररिस्ट होंगे तो घुस जाएगा, वो पूछेगा नहीं। ठीक है, दूसरा ऑफिसर मैंने एक सेलेक्ट किया, वो एक टेक्निकल रिक्वायरमेंट थी। उसके अलावा मेरे पास जितने थे वो सारों के सारे जो ऑफिसर थे उनके फुल कर्नल्स के बोर्ड हो चुके थे। व्हाट यू यूज द वर्ड, देयर फायर्ड केसेस, दैट मिस्ड द बोर्ड्स, दैट ऑलरेडी मिस्ड द बोर्ड्स, एंड यू डिलिबरेटली चोज कर्नल्स। आई इनफैक्ट जब मैं शुरू में गया तो एक बड़ा स्ट्रक्चर सा बना के रखा हुआ था कुछ वेलकम के लिए, कि ऐसा है कि एक कर्नल होगा, एक लेफ्टिनेंट कर्नल होगा, नीचे कप्तान मेजर होंगे। तो मैंने जाते ही बोला, मैंने कहा सर ऐसे नहीं होगा, मैं इनको यहाँ पे अभी ट्रेन करने के लिए नहीं आया, जो टास्क आप नेशनल लेवल पे, एक स्ट्रेटेजिक लेवल पे आप ऑफर चाहते हो उसके लिए मेरे को यंग रिक्रूट्स नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए जिनके पास एक्सपीरियंस हो। नहीं तो ये क्या होगा, यंग कप्तान साहब है, एक दिन खड़ा हो जाएगा साहब मेरे को तो शादी करनी है, दूसरे दिन ट्रेनिंग डायरेक्टरेट खड़ी हो जाएगी कि जिसका ये वाला 3 महीने का कोर्स पढ़ा इसको कोर्स भेजना है, चौथे दिन आपका खड़ा हो जाएगा बोलेगा नहीं जी इसने एक इंटेल का कोर्स करना है वो करना है। तो मेरे तो 12 महीने में से 6 महीने तो भाई बाहर होगा, काम कब कराऊंगा, नफरी पूरी नहीं होगी सर, नफरी पूरी नहीं होगी। तो आई इन स्पेसिफिकली पिक्ड अप पीपल विद एक्सपीरियंस
हु हैड नो यू सी, एक और चीज होती है कि जैसे आप एक ऑफिसर लाओगे जिसको कि अगला रैंक दिख रहा है, वो कई जगहों पे सेफ भी खेलता है, खेलेगा ही सेफ सर, इट्स ह्यूमन टेंडेंसी, ये ह्यूमन टेंडेंसी है। यहां पे मेरे पास वो थे जिनका सब कुछ हो चुका था, बट उनमें एक जिगरा था और एक उनमें जील थी काम करने की। दे वर नॉट वॉन्टिंग टू प्रूव एनीथिंग टू एनीबडी, दे वर ओनली प्रूविंग एवरीथिंग टू देमसेल्व्स कि ठीक है हम ओवरलुक हो गए तो क्या हो गया, वी आर स्टिल व्हाट वी आर, अभी कारतूस में बारूद बहुत है, अभी कारतूस में बारूद बहुत है। तो जैसे आपने अपनी टीम सेटअप करी सर, एंड देन आई गेव देम दी टास्किंग सर, नो फर्स्ट आई गेव देम दी लिबर्टी कि तुम अपने, तो तुम्हारे साथ कभी तुमको लगता है क्योंकि जैसे जवान ऐसे थे जो केपेबल हैं, तो तुम अपने लिए उनको सेलेक्ट कर लो। सो एवरीबडी हु केम सर, मैं अगर मैं ठीक समझ रहा हूं जो आपने मुझे बोला है कि एक खास माइंडसेट वाले लोग, एक खास माइंडसेट वाले लोग एंड हाईली ट्रस्टेड, जिनको आप पर्सनली दैट यू कुड वाउच फॉर हिम दैट दिस मैन इज फिट फॉर द जॉब नंबर वन, एंड नंबर टू ब्रेव एंड यू नो पीपल हु आर विलिंग टू टेक एक्शन, नॉट पेपर टाइगर्स, रियल टाइगर्स, दे वर रियल टाइगर्स, रियल टाइगर्स, पेपर टाइगर का चक्कर नहीं। तो आप ऐसे लोग ले आए सर, फिर आपने उनको टास्किंग वास्किंग करी जो भी उन्होंने कहा, फिर उन्होंने वहां पे आगे चल के ऑपरेट, दे गिव गुड रिजल्ट्स, आई एम श्योर सर, दे गिव गुड रिजल्ट्स, आई एम श्योर। इनफैक्ट जनरल वी के पर्सनली, बिकॉज हमारी तो साइटेशन भी नहीं बन सकती थी, ऐसी एक बन गई थी, उसके बाद वी रियलाइज कि हर चीज पे साइटेशन नहीं बन सकती, और एक शब्द सीक्रेट की साइटेशन पे साइटेशन नहीं मिलती, तो जनरल वी के टू गिव देम दैट यू नो फील गुड, ही कॉल्ड द टीम टू हिज ऑफिस पर्सनली एंड पुट द चीफ्स मेडल, चीफ्स कमेंडेशन, मतलब लोग साउथ ब्लॉक नहीं देखते हैं, ये तो बड़ी बात है सर, ये चीफ के दफ्तर के अंदर जाके, चीफ के दफ्तर, चीफ इज पर्सनली डूइंग इट, एंड चीफ इज पर्सनली, नहीं तो गैजेट सब जाता है, लोग बाजार से खरीद के कमेंडेशन लगा लेते हैं। हाँ सर, दिस वाज अ वेरी बिग प्रिविलेज एंड वेरी बिग ऑनर फॉर द एंटायर टीम, नीडलेस टू से सर। अच्छा सर, टीएसडी कब कॉन्ट्रोवर्शियल बन गई और क्यों, किसने बना दी सर कॉन्ट्रोवर्शियल? देखो मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि इश्यूज आप जानते हो कि कुछ और हो सकती है। टीएसडी की बेसिकली कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई तात्रा से, जब जनरल वीके को पैसा ऑफर हुआ। आई हैव सर्व्ड जनरल वीके सिंस 2004 टिल 2012। हाँ, एक बार मेरी वाइफ ने जरूर मजाक किया था कि आपके साथ इतनी हम लोगों की नौकरी रही लेकिन हमारी आपके साथ कोई फोटो नहीं है। अच्छा, इट वॉज प्योरली प्रोफेशनल रिलेशनशिप, प्योर प्रोफेशनल रिलेशनशिप। ही वुड वॉच फॉर मी एंड आई कुड टेक द लिबर्टी। मैं उनके साथ, मतलब मेरे को अगर कुछ लगता है कि ये होना है तो मैं जाके उनको परमिशन लेने नहीं जाता था, मैं उनको बताने जाता था कि सर, बट वेरी हार्ड टास्क मास्टर, दैट वाज़ आई हर्ड अबाउट हिम सर, वेरी हार्ड टास्क मास्टर, वेरी हार्ड, एंड ही ड्रोव हिमसेल्फ हार्डर हार्डर। मैंने कहानी सुनी सर, मैं आपको बता दूं, आई एम सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, मैं आई थिंक यूनिट पता नहीं कौन सा, 25 राजपूत थी, कौन सी थी सर, मैं यहां पे गया था उनके पास मिलने के लिए, बहुत पहले की बात है, 5 साल पहले की बात है। So 25 राजपूत कैंट में थी सर, दे वर टेलिंग स्टोरीज अबाउट जनरल वीके दैट समथिंग हैपेंड इन ऑपरेशन पवन सर, कुछ तो भी हो गया श्रीलंका में, एंड ही सेड दैट जब तक मैं हिसाब किताब बराबर नहीं करूंगा आई विल नॉट गो ऑन लीव, एंड वो काफी टाइम तक घर नहीं गए, यूनिट में रहे, हिसाब किताब जो भी बराबर करना था, जो भी एक्स वाई जेड सॉर्ट आउट करना था, ऑफकोर्स वो उन्होंने करा, एंड देन ही वेंट। सो हार्ड टास्क मास्टर एंड टोटली डेडिकेटेड, मैं करूंगा तो मैं करूंगा, ये जनरल वीके सिंह इस मामले के लिए इज वेरी फेमस। मैं आपको बताता हूं जी, मैं जब मेरी पोस्टिंग साउथ कश्मीर आई, मैं आपको एक छोटा सा एक एनेक्डोट बताता हूं। मेरी शादी हुई तो माय ब्रदर, बड़ा भाई जो मेरा है, वो गवर्नर तमिलनाडु का एडीसी था, मैंने जैसे पहले बताया। तो शादी के बाद हम दोनों मियां बीवी ऊटी गए हनीमून के लिए, भाई एडीसी था तो थोड़ा बहुत अरेंजमेंट उसने करा दी थी, गेस्ट रूम्स। ऊटी जाते साथ ही एक वहां पे डोडा पेटा करके एक पॉइंट है, तो मैंने बीवी को, मेरा कजन वहां पे मैनेजर था होटल के अंदर, डिस्टेंट कजन, तो मैंने उससे बोला यार तेरा स्कूटर दे दे, मेरी कार तू रख ले जो मेरे को लेकर आया हूं, मेरे को समझ नहीं आ रही हो तम भी क्या बोलता क्या, और ना उसको हिंदी समझ में आती है ना उसको तमिल समझ में आती है, ना उसको उसको अंग्रेजी भी नहीं समझ में आती थी, कम से कम तमिलनाडु में एक पॉपुलेशन है जो अंग्रेजी तो समझता है। तो मैं पहले दिन अपनी बीवी को डोडा पेटा ले गया, धुंध सी थी, वापस ले आया, फिर अगले दिन फिर लेके गया, तो थोड़ी धूप थी, वहां पे दूरबीनें लगी हुई हैं,
तो 10-10 के नोट निकाले और बीवी को मैंने बोला, मेरी वाइफ उनके फादर भी कर्नल थे फौज में, एजुकेशन कोर्स से थे, तो वो तो उसको पूरा पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी पार्ट डी सारे इम्तिहान पता थे क्या है, तो स्टाफ कॉलेज भी पता था। मैंने उसको वहीं से दूरबीन लगा के बोला, मैंने कहा बीवी वो देख ले वेलिंगटन, इसके बाद मत बोलना दिखाया नहीं। अच्छा ये बड़ा फौजी जोक है सर। नहीं मैंने एक्चुअली किया ये एक्चुअली किया, मैंने उसको वहां से दिखाया, मैं 10-10 करोड़, मैं कहा तेरी जितनी इच्छा है देख ले तू, ठीक है इसके बाद मत बोलना। आई एम वेरी क्लियर कि मेरे को एक काम आता है और मैं वो काम करूंगा, ठीक है। स्टाफ कॉलेज वगैरह ठीक है, किस्मत हुई तो कर लेंगे, नहीं हुई तो, बट आई वाज नॉट इंटरेस्टेड फ्रैंकली। अच्छा सर टेल मी सर, ये आपने बोला कि जनरल वीके सिंह जब आर्मी चीफ थे तो जो टाटा की डील करवा रहे थे, टाटा मैं बता दूं हमारे जो व्यूअर्स को नहीं पता है, ये बड़े बड़े ट्रक्स हैं, दीज आर बिग ट्रक्स, उसमें टैंक भी चढ़ जाते हैं, उसमें मिसाइल्स भी माउंटेड होती हैं, दुनिया भर के काम होते हैं, हैवी ड्यूटी ट्रक्स, टन और टन उठाने वाले कैपेसिटी के ट्रक्स टाटा। तो टाटा इंडियन आर्मी को बेचना चाहते थे, उसके लिए जनरल वीके सिंह को पैसा ऑफर करा सर। टाटा बिक रहा था, इट वॉज पार्ट ऑफ द इक्विपमेंट ऑफ द आर्मी, ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ, इट वॉज ऑलरेडी देयर सर। प्रॉब्लम यह थी कि उसकी कॉस्टिंग जो थी वो बहुत ज्यादा हाई थी, क्योंकि वो 3-4 जगह से घूम के अलग अलग लेवल पे लोग अपना प्रॉफिट कमा के हमको बेच रहे थे, और हमको भी क्या बेच रहे थे, बेसिकली बीएमएल को बेच रहे थे, और बीएमएल फाइनली फौज को बेच रहा था, बीएमएल खुद नहीं बना रहा था, इट वॉज जस्ट अमीडिएटरी, ओके ठीक है। तो जनरल वीके सिंह का ये था कि मैं 50 लाख का ट्रक 1 करोड़ में क्यों खरीदूं, आप मुझे डायरेक्टली क्यों नहीं लेने देते, डायरेक्टली फ्रॉम टाटा, इट शुड कम डायरेक्टली फ्रॉम टाटा, एब्सोल्युटली गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। दूसरी इशू उनकी थी, जो कि दो चीजों के लिए इशू थी, एक बोफोर्स को लेके थी और एक टाटा को लेके थी, कि क्या होता है कि जब आप एक वेपन एक आर्मरी आप कुछ भी खरीदते हैं तो आप उनके साथ एक ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का एक क्लॉज डालते हैं, कि 20 साल हम खरीदेंगे आपसे खरीदेंगे, उसके बाद हम इसको ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होगा, ठीक है, उसके बाद हम प्रोड्यूस करेंगे अपना। तो बीएमएल वॉज मेड दी टाटा का, उनका सवाल था कि इसकी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी क्यों नहीं हुई और बोफोर्स की अब तक क्यों नहीं हुई, और अब बोफोर्स का वर्जन बनने लगा है जबलपुर में, यस सर, टाटा भी पार्ट बनने लगा है सर, ठीक है। अब इस पूरे डील के पीछे बहुत लोग जो थे वो अनकंफर्टेबल थे, कुछ प्राइवेट कुछ सरकारी, जब डील्स होती हैं ये सबको पता है कि इसमें कुछ लोगों के तो बेनिफिट्स होते ही होते हैं, देर तो पुरानी कहावत है ना, बकरा कटता है तो बटता है, तो वो बकरा जो बट रहा था वो लोगों को पचा नहीं सर। मैं इसलिए आपको पहले 2004 से चालू कर रहा था कहानी, कि मैंने इतने साल जनरल वीके के साथ नौकरी की है, मैं इंटेलिजेंस वाला आदमी हूं, इन्वेस्टिगेशंस मेरा पार्ट ऑफ द जॉब रहा है, कहीं ना कहीं कुछ तो भनक आती कि आदमी खाता है गलत है, पता चल जाता है। जिस आदमी के पास रिटायरमेंट तक एक WHO का घर था सिर्फ, वो भी जब कर्नल पे उसने हम सब भर लेते हैं, भरा था निकल गया, उसके पास इसके अलावा तब तक कोई प्रॉपर्टी। अच्छा तो मैंने भरा तो मेरा नहीं निकला, मैं आपको बता दूं, अंदर मैंने भी एक बार भरा था नहीं निकला, उसके बाद भरना बंद कर दिया, पैसे और कट जाते हैं आपके अपना पैसा वापस लेने में, इसलिए मैंने भी भरना बंद कर दिया। तो जिस आदमी के पास प्रॉपर्टीज थी नहीं, अगर आदमी कमाता है तो पता तो लग ही जाता है। एक इन्होंने और प्रॉपर्टी शायद मेरे ख्याल से थी, एक इन कोर्समेट्स थे ये 3-4 जनरल्स, इन्होंने कहीं हिमाचल में एक जमीन मिलके ली थी कि रिटायर होंगे तो साथ रहेंगे, तब किसको पता था कि चीफ बनेंगे या क्या कहते हैं मिनिस्टर भी बन जाएंगे। मेरे कोर्समेट खुद ऐसे कई बार प्लान हम लोग हमारा हो चुका है कि हम लोग 4-5 लोग पैसे बनाएंगे और मैं मिलाएंगे, फिर हम कुछ ऊटी में लेंगे, ठीक है। तो इन्होंने एक और हिमाचल हैज दिस प्रोविजन कि आप आर्मी वाले हो तो आपको जमीन मिल जाती है, लिमिटेड सी मिलती है तो उसके अलावा जो पैसा बनाने वाला होता है ना उसके पास पता चल जाता है। तो मुझे तो कम से कम इन 7-8 साल में कभी ऐसा न दिखा न लगा, और व्यक्ति जब बोल रहा है कि ही हैड एन ऑप्शन, ही कुड हैव सेड यस एंड कैरीड ऑन, बट ही वॉक्ड अप टू द मिनिस्टर टू टेल कि मेरे को ऑफर हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई, मैन्युफैक्चर्ड है उसकी वो जो बाकी सारी चीजें जो हैं, आप फिर चीफ के बारे में अखबारों में गलत आप लिखवाना चालू कर दें, जी आज इसकी उम्र बढ़ गई, आज इसकी उम्र कम हो गई, आज ये हो गया, आज वो हो गया, तो ये चीफ तो एक इंस्टीट्यूशन है ना। अच्छा सर ये भी तो चक्कर चला था कि वो पैरा वाले वहां से निकल गए आगरा से और टेक ओवर करके, ये भी तो स्टोरी आई थी बड़ी कि कू हो गया था इंडिया में, कैसे कू हो सकता है। मेरे को आप एक चीज बताएं, एक कू की हम थोड़ी सी इस पे मैं 5 मिनट जरूर लूंगा, बिकॉज ये बहुत जरूरी है जी, बिल्कुल इसको कफिन को आज गाड़ना है, बिल्कुल सर। हिंदुस्तान में दिल्ली जैसे शहर में कितने पॉलिटिशियंस हैं आपके पास, आपकी पार्लियामेंट में 500 कुछ हैं सर, ठीक है। अगर आप सीसी के जो कैबिनेट जो है फॉर सिक्योरिटी उसके बंदों को ही आपने घेरना है, तो पहले
मतलब कैसे करेंगे वो? आप एक सिस्टम है उसको आप पहले कब्जे में लेंगे, ठीक है? तो पहले आप जो कैबिनेट सेक्रेटरी सीसीएस वाले हैं आप उनको कब्जे में लोगे, आपका जितना मीडिया हाउसेज हैं पूरे उनको आप शट डाउन करोगे, ब्लैकआउट होगा। अपने नेबर में देखा है आपने पाकिस्तान के अंदर होते हुए, yes. सीधा मीडिया ब्लैकडाउन ब्लैकआउट हो जाता है, बिल्कुल सर, आप ब्लैकआउट करेंगे, आपके पास एयरटेल है, एयरसेल है, आपके पास बीएसएनएल है, आपके पास इतना कुछ है, आप उसको शट डाउन करेंगे, ठीक है? फिर आपके दिल्ली के आसपास इतने सारे सीआरपीएफ बीएसएफ और इन सब के कैंप्स हैं, आप उनको वहां पे भी क्या होता है, जैसे अब मैं बिल्कुल कंपैरेटिव कर रहा हूं, जैसे ही कू होता है सबसे पहले रेंजर फेंजर को कवर में ले लेते हैं। आप गेस करिए आपका डीजी बीएसएफ, मतलब ऐसा व्यक्ति जो एक को आपने कवर कर लिया तो दूसरा ऐसा होगा जो उस चीज को चार्ज टेक ओवर कर सकता है, आप उसको भी कवर करेंगे। रानी भी कैरम के अंदर तब तक पूरी नहीं होती जब तक कवर नहीं जाता, बिल्कुल सर, ठीक है? तो आप इतने सारे महकमों को, इतने सारे उनको आप ब्लॉक कर देंगे, कितनी नफरी चाहिए आपको लगता है? पैरा ब्रिगेड, पैरा ब्रिगेड में पैरा यूनिट की जो स्ट्रेंथ है वो एक आम इन्फेंट्री यूनिट की तरह नहीं होती है, यस सर, वो तो नई धोबी मिला के भी बहुत कम होती है, यस सर। कैन यू डू इट? आपको एयरफील्ड्स ब्लॉक करनी है, आपको रेलवे स्टेशन, रेलवे ट्रेन आपके दिल्ली के अंदर आने के लिए गुड़गांव से आ रही है, रेवाड़ी से आ रही है, यूपी से आ रही है, इतनी लोकेशंस हैं, क्योंकि अगर आपने कू किया आपको लगता है ईस्टर्न आर्मी कमांडर, वेस्टर्न आर्मी कमांडर, सेंट्रल आर्मी कमांडर बैठे रहेंगे? या तो वो भी ऑन बोर्ड हो, अगर वो नहीं हुए और सीसीएस के अंदर से एक ने बोल दिया कि इसको हैंडल करो तो वो आएंगे, आप उनको ब्लॉक नहीं करोगे, आप रोड ब्लॉक्स, रेल ब्लॉक्स नहीं लगाओगे? आप सोचिए, इट्स अ वेरी मैसिव, और ये हमारी साइक में नहीं है। पाकिस्तान में एक बटालियन आके प्रेसिडेंट के दफ्तर के बाहर खड़ी हो जाती है, घर के बाहर, तो इट इज अंडरस्टूड कू हो गया, कोई कुछ नहीं बोलता। वो सर एक कप्तान और मेजर साहब, आई बिलीव वो पाकिस्तान टेलीविजन के ऑफिस में गया वेयरिंग सिविल क्लोथ्स, स्मोकिंग, एंड ही टोल्ड द चेयरमैन कि चेयरमैन साहब प्लीज गो होम, तो वो नूरजहान के गाने, यू नो, वतन के सजीले नौजवान, वो बजा रहे थे, और जब पाकिस्तानी देख लेते हैं कि नूरजहान गा रही है टीवी पे, उनको बोला कि बॉस अब तो सरकार तख्ता पलट गया, कहानी खत्म हो गई। आपको लगता है उसे हो सकता है इधर? नहीं सर, आई एज अ फौजी 110% मैं सिर्फ आपके व्यूअर्स के लिए बता रहा हूं कि ये इतना बड़ा मैसिव एक्सरसाइज है, हिंदुस्तान है ये सर, ये इतनी मैसिव एक्सरसाइज है, इसके लिए एक ब्रिगेड नहीं, इसके लिए 2-3 कोर चाहिए, उसकी मूवमेंट, और तब जाके पूरे न पड़ेगा सर, तब जाके पूरा न पड़े दिल्ली, दिल्ली को ही सिर्फ कब्जे में लेने के लिए, बोलने के लिए कि हमने हार्ट ऑफ द कंट्री को कब्जा कर लिया सर। मतलब मैं तो सिर्फ रेलवे लाइनों की गिनती गिन रहा हूँ, रोडों की गिनती कर रहा हूँ, ब्लॉक्स लगाने में कितना लगेगा सर। हुआ क्या है, एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज हुई, उस एक्सरसाइज देखो हर साल एक्सरसाइज होती है, आज भी होगी, कल भी होगी, यस सर। और एक्सरसाइज किस लिए होती है? कि कोई नया आइडिया है, ठीक है? अब वो नए आइडिया की एक्सरसाइज के चक्कर में एक वैलिडेशन थी, किसी ने एक नया आइडिया दे दिया, और नया आइडिया भी जो आया तो बड़े यंग से ऑफिसर से आया था, बाय द वे ये भी बता दूं, अच्छा सर, आई एम अवेयर ऑफ दैट, ठीक है? तो उस चीज को वैलिडेट करना था, टाइम एंड डिस्टेंस, और टाइम एंड डिस्टेंस में जो डेस्टिनेशन थी वो दिल्ली नहीं थी, और दिल्ली हो भी नहीं सकती, और इतनी जितनी स्ट्रेंथ दिल्ली होगी क्यों सर? अरे दिल्ली अगर जितनी बड़ी पैरा ब्रिगेड है उससे ज्यादा तो यहां पे लोग रिपब्लिक डे परेड की प्रैक्टिस कर रहे थे, उन्हीं को ना डाइवर्ट कर देते? ठीक बात है सर, फौजी है उसको मिला कर देगा सर। तो सर ये आप ही कह रहे हैं कि जानबूझ के जनरल वीके सिंह का नाम गंदा करने के लिए, उनको डिस्क्रेडिट करने के लिए एक प्लान बनाया गया। मैं आपको गौरव आज अंदर की एक बात और बताता हूं। जी सर, ये बिटवीन मी एंड जनरल वीके की बात है जी, ठीक है? जिस दिन मूवमेंट हुई उसके 2-4 दिन के अंदर अंदर आर्मी हेडक्वार्टर के एक अंडर सेक्रेटरी के दफ्तर में दुनिया भर की फाइलें खुली पड़ी थी, और एक वो सन 84 की चिट्ठी ढूंढ रहे थे कि मूवमेंट ऑफ ट्रूप्स के लिए परमिशन लेनी है, ये करना है, वो करना है, कोई होगा कोई क्लॉज, मैं मना नहीं कर रहा हूं। ये खबर हमें लग गई, और इनको जब वहां चिट्ठी नहीं मिली तो इन्होंने कहीं फौज के अंदर फोन करके पूछवाया कि ये चिट्ठी हमको मिल सकती है। मैंने शाम को 10 बजे जनरल वीके को मैसेज दिया कि सर मैं आ रहा हूं अभी, मैंने फोन पे नहीं बात की, पर्सनली जाके उनको बोला, मैंने कहा सर ये हरकत हुई है, इन लोगों को जो भी थे कहीं तो उनको डर था, क्योंकि आपने गलत काम कर रखे तो आपको डर है, आप गलत नहीं होगे तो आपको डर किस बात का है? आपने जिस महीने वो रिटायर हो रहे थे मई में, आपने उस महीने कहानी चलवाई, तब चलवा लेते, तब कहानी चलवाई, किस बात का डर था जी?
और फिर उन्होंने ये बोला कि टीएसडी ने फोन टैपिंग करी है। मालिक, मैंने आपको शुरू में ही एक चीज बोली, देयर वाज नथिंग टेक्निकल अबाउट इट। ठीक है, मेरे को पैसिव इक्विपमेंट होती है, मैं मना नहीं कर रहा हूं। हम इंटेलिजेंस में, हमें मालूम है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। मेरे को एक आईबी के सबसे सीनियर मोस्ट का फोन आया। अब ये क्या है? मैंने छूटते एक ही चीज बोली, मैं कहा सर पैसिव इक्विपमेंट अगर आपको मिलेगी आप करोगे? बोले नहीं। तो मैंने कहा सर आपको लगता है मैं करूंगा? पैसिव इक्विपमेंट इज समथिंग लाइक योर कार का जो स्टीरियो होता है, आप एक स्कैन का बटन दबाते हो वो चलता है, जो पहला स्टेशन मिलता है उसको पकड़ के बैठ जाता है, वो फिर भी सिस्टम बेटर है, आप उसको फिक्स कर सकते हो। पैसिव मोबाइल मॉनिटरिंग के अंदर आप फिक्स नहीं कर सकते हो। आपको लगता है मैं साउथ ब्लॉक के बाहर एक काली सफारी में बैठ के सिर्फ यही कर रहा हूं कि बटन दबा दिए कि कब रक्षा मंत्री साहब का फोन चलेगा और कब वो कॉल पकड़ी? 5000 फोन कम से कम चल रहे होंगे साउथ ब्लॉक के अंदर, मैं यही खेलता रहूं पूरा दिन की मतलब, अच्छा नहीं नहीं ये वाला फोन नहीं, अरे नहीं नहीं ये वाला नहीं, नहीं 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 ये वाला नहीं। बट सर इट वॉज एन एलैबोरेट प्लान सर, वेरी वेरी एलैबोरेट। एक जगह आपने जनरल वी के सिंह को यू नो ये एंड इट्स अ सीरीज सर, इट्स अ सीरीज सर। आपने बोला कि एज के उसके आपने वो कॉन्ट्रोवर्शियल बनाया उनका एज का बर्थ सर्टिफिकेट। फिर आपने बोला कि साहब ये तो टेक ओवर करना चाह रहे हैं तो वहां से पैरा ब्रिगेड आगरा से मार्च हो गई। अच्छा फिर आपने बोला कि नहीं साहब ये तो फोन टैप, मतलब एक के बाद एक कैरेक्टर असैसिनेशन हो रहा है एंड इट्स आल्सो हर्टिंग द आर्मी इजंट इट सर। आप ये सोचिए कि मेरे दफ्तर में एक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जो कि पहले सिग्नल इंटेलिजेंस हैंडल करता था जी, एक रिटायर्ड मेजर साहब जो कि जर्नलिस्ट बन गया उसके साथ आया, तो क्या ढूंढने आया उधर? मैं सच्ची बता रहा हूं गौरव, मैं आई हैव सर्वाइव्ड ऑन माय इंस्टिंक्ट एंटायर लाइफ। मैं इन नॉर्मल आर्मी की तरह नहीं थे हम कि तीन गाड़ियां प्रोटेक्शन की चल रही हैं, एक पिस्तौल लेके चलते थे, उसकी भी गारंटी नहीं अगर पकड़ेगा और अपने आप को गोली मारनी वो चलेगी भी कि नहीं चलेगी। 9mm की आपको पता है ब्राउनिंग की स्टोरी सर, ब्राउनिंग की स्टोरी देखो फेंक के मारो तभी मर जाएगा सर, तभी मरे तो मरे सर ब्राउनिंग। ठीक है, तो हम इंस्टिंक्ट पे जिए। उस दिन वो व्यक्ति मेरे दफ्तर में इक्विपमेंट प्लांट करने आया था और उस पर्टिकुलर एक अखबार वाला का जर्नलिस्ट था जो कि मेजर साहब था, उसको लेकर आए अंदर ताकि वो आइडेंटिटी कार्ड दिखा दिखू के बोल के मैं मेजर सो एंड सो, यू सी व्हेन एन आर्मी ऑफिसर मूव्स इन ही हैज अ कॉन्फिडेंस, वो चौकीदार को या सिपाही जो खड़ा है उधर गार्ड खड़ा उसको बना सकता है। फॉर्चुनेटली मेरा बंदा इस जनरल साहब को पहचान गया और ये भागे वहां से, नहीं तो इन्होंने इक्विपमेंट छोड़नी थी, मेरे यहां पे एक रेड होनी थी क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, कई सारे बोर्ड और कई सारी इंक्वायरियां हो रही थी। ठीक है, अंदर आते ढूंढते और मैं साथ जन्म ले लेता, मैं बोलता रहता मेरा नहीं है, लेकिन मैं इसको प्रूव नहीं कर पाता। अच्छा, इसी के ऊपर एक न्यूज़पेपर ने, टीवी चैनल ने एडीजीपीआई को एक छोटा सा वो भेजा, क्या कहते हैं, क्वेश्चनेयर, और उन्होंने अपने टीवी में वो क्वेश्चनेयर लगाया। अगले दिन हमारे ही खिलाफ इंक्वायरी हो गई कि जो हमने कंप्लेंट डाली थी ऑफिशियली ट्रांसग्रेसिंग टू द यूनिट लाइन, यस सर, कि ये कॉन्फिडेंशियल लेटर है, ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में आता है, इनकी इंक्वायरी करो कि ये कैसे लीक हो गया मीडिया। जबकि हमने वापस रीप्ले करके चेक किया उसको, वो हमारा लेटर का लेना देना नहीं था, इट वाज जस्ट द क्वेश्चनेयर दैट दे हैड सेंट टू द एडीजीपीआई। और ये अगले दिन ब्रिगेडियर साहब घूम रहे हैं एक और ये और घूम रहे हैं, और वो आके हमसे कोई सवाल नहीं पूछ रहा है कि लीकेज के ऊपर, वो आके हमारे इक्विपमेंट ढूंढता, हमारे उसकी पेरीमीटर में सारा चेक करता फिर रहा है, एंड वी कुड मेक आउट कि दे आर ट्राइंग टू लुक फॉर दैट कैमरा जिसके अंदर इनके आने का हमारे पास सीडी था, हमारा सीसीटीवी ढूंढ रहे थे। मतलब एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी सर। चल समय था, निकल गया, अच्छा समय स्टार्टेड, बुरा समय गया। बड़ी सीन अलॉट सर, बहुत देखा आपने। एक ना भगवान ने दिखा दिया, कुछ हुआ, एक जॉन एलिया बड़े फेमस शायर रहे हैं। हाँ सर, जॉन एलिया सर। हाँ सर, बाकी एक वो है कि जो जिंदगी जी ना जा सकी हमने वो जिंदगी जी है। तो ये सब चीजें खत्म होती हैं सर, फिर लास्ट में मैं आता हूँ आपसे पूछता हूँ कि देन टीएसडी वाज शट डाउन सर, इट हैड बिकम टू कंट्रोवर्शियल, ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो गई थी टीएसडी। नहीं, द नेक्स्ट चीफ डिड नॉट वांट, सी ऐसा होता है, इट्स द ऑल ऑर्गेनाइजेशंस, आई विल नॉट से आर्मी, आर्मी बोलते साथ एक वो अलग से वो लग जाता है, ऑल ऑर्गेनाइजेशन दे हैव देयर ओन लीडर्स,
depending on the kind of organization. It was a particular chief who probably did not want to get into it. It was, so you're saying it was a personality driven thing? It was personality driven. पूरी सब जगह पर्सनैलिटी ड्रिवन है, कहां नहीं है? इट्स नॉट ओनली इन फोर्सर, इट्स एवरीवेयर, एवरीबॉडी इज गॉट अ सर्टेन स्टाइल ऑफ लीडरशिप. आई विल गिव एन एग्जांपल. क्या हुआ कि जब, एक और कहानी सुनाता हूँ, ये बड़ी मजेदार कहानी है ये भी. मार्च अप्रैल होते होते मेरे को डीजी ने बुलाया और बोला यार कि तुम अपने रिलीवर्स ढूंढ लो, बिकॉज डीजी जनरल ठाकुर वॉज अवेयर वॉट वी आर डूइंग. सो यू सी इट वॉज अगेंस्ट हिज विशेज ऑल्सो दैट दिस फाइनल शट डाउन टुक प्लेस. मेरे को डीजी ने बुलाया और बोला, डीजी ने एक डीडीजी को बोला जिसके साथ हमारी बड़ी अच्छी रिलेशनशिप थी, न्यू, बिकॉज वो नॉर्थ ईस्ट हैंडल करते थे और हमारे नॉर्थ ईस्ट में बड़े अच्छे ऑपरेशन चल रहे थे जी. तो पर्सनल लेवल पे एक बात थी. तो ब्रिगेडियर साहब ने मेरे को बोला यार कि वो हनी डीजी तेरे को खुद नहीं बोलना चाह रहा है, बट ही टोल्ड मी टू कन्वे टू यू कि आप एक अपने रिलीवर्स ढूंढ लो. क्या बोलते हैं? तो एक दिन मेरे को फिर इसी ब्रिगेडियर साहब का मैसेज आया कि ही वांटेड टू मीट सर्टेन टॉप लीडर्स ऑफ अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन, वट एवर दी वर्ड्स. ये सब शब्दावली है. आपको याद है शुरू शुरू में मिलिटेंट्स को एएनई बोला जाता था. हां सर, हां सर. फिर उसके बाद कुछ और बोला जाता था. फाइनली जाके 9/11 अटैक के बाद हमने इनको टेररिस्ट की उपाधि दी. करेक्ट सर. ठीक है. तो वैसे ही नॉर्थ ईस्ट में भी कभी अंडरग्राउंड बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं. तो एनीवे, दिस वाज एन अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन. ही वांटेड टू मीट द लीडर्स. हमारी इतनी अच्छी रेपुटेशन थी कि इनको ये मालूम था कि अगर इन्होंने बुलाया है, दे डिड नॉट नो टीएचडी, दे न्यू अस. तो वो नेबरिंग कंट्री से, उनको मालूम है कि हम आएंगे, मीटिंग करेंगे और जब तक हम वापस नहीं चल जाएंगे हमारे साथ कुछ होगा नहीं. दे केम अंडर योर सिक्योरिटी अम्ब्रेला. हाँ, आपकी प्रॉमिस पे आए हो. प्रॉमिस पे, बिकॉज यू सी एम एस गोली मार सकते हो बुला के. एक तो वो धोखा होगा, वो हमारी ना हमारी रीति में नहीं है ये. दिस इज नॉट वॉट वी इंडियंस आर. और दूसरा क्या है कि यू आर वॉन्टिंग टू कीप अ चैनल ओपन. कल क्या होगा कि अगर आपने धोखा कर दिया तो आपके चैनल्स बंद हो जाएंगे, आपको कोई भरोसा नहीं करेगा. ठीक है, लड़ाई एक तरफ चल रही है, वो एक अलग बात है. तो ये कुछ लोग आए, तो एक तरफ इनके बैठे थे, एक तरफ हम बैठे थे. तो मेरे पास एक आसाम का लड़का है, ऑफिसर था. इनफैक्ट उसको भी जब मैंने मांगा तो एमएस का, सबसे पहले एमएस का फोन आया, सर किसको ले लिया? मैंने कहा तेरे से क्या लेना. ठीक है, उसने कोई 10 साल पहले सेनापति डिस्ट्रिक्ट में नौकरी की थी मणिपुर की. अब इधर हमको फॉर्मल, इट वॉज बेसिकली कॉन्फ्रेंस टेबल पे बैठे हैं, एक तरफ ब्रिगेडियर साहब बैठे हैं, एक तरफ इनका प्रेसिडेंट बैठा है, दूसरी तरफ उसके लीडर बैठे हैं, सो कॉल्ड किलोंसर्स या मिनिस्टर्स, एक तरफ हम बैठे हैं. तो एक तरफ से इसने इंट्रोडक्शन चालू किया, सो एंड सो, हेलो सो एंड सो. तो एक ने जैसी उसका नाम लिया, ये बिदक पड़ा और इसने उसको नागामीज में बोला, ए अपनी की मीसा कुरिया से, तो किसने क्या झूठ बोल रहा है? कहते तेरा नाम ये है ही नहीं, तेरा नाम तो ये है और तू आज से 10 साल पहले सेनापति डिस्ट्रिक्ट के अंदर तू केबल के ऊपर तू हैट लगा के और मफलर पहन के मुंह छुपा के अपना तू आके धमकी देता था कि हिंदुस्तानी पिक्चरें नहीं देखी जाएंगी, ये नहीं देखी जाएंगी, केबल के ऊपर चलेंगी. मतलब बेसिकली तब ये थे नहीं, लोकल केबल नेटवर्क होते थे, तो इनको जो अपना डिक्टार पास करना था वो एक टेप रिकॉर्डर भेज देते थे. अब आप देखिए बंदा 10 साल बाद उसकी आवाज से पहचान गया. वहां पे तो खलबली हो गई होगी कमरे के अंदर. खलबली हो गई. उसके बाद जितना वो स्टिफ सा एक एनवायरमेंट था, थोड़ी देर में तो सब आराम से बैठे हुए थे कि स्नैक्स लाओ, समोसा लाओ, पकौड़े लाओ. एनीवे द मीटिंग एंडेड एट अ वेरी गुड नोट. दीज गाइज वेंट बैक. मैं कमरे में गया, ब्रिगेडियर साहब कमरे में बैठे थे जो उनके लिए अलग से रखा था, क्योंकि थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगे, शाम को वापस चले जाएंगे फ्लाइट से. तो मैंने जाते ही उनको देखा, वो भी मुस्कुरा दिए, बिकॉज इन हिज ही वॉज बेसिकली इन्फेंट्री ऑफिसर. तो उसने जिंदगी में ऐसा कभी माहौल देखा नहीं कि एक बंदा उठ के 10 साल पुरानी कहानी निकाल लाए. तो मैंने कहा सर आपको इनके रिलीवर मिल जाएंगे, आपको लगता है? आपने बोला मेरे को कि 10 दिन में बता दो रिलीवर्स. इनको मेरे को लाने में 10-10 साल लग गए सोचने में कि किसको लाना है. इट टेक्स टाइम. सो दैट वाज द काइंड ऑफ पीपल दैट वी हैड. सर लास्ट लास्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगा सर, नॉट अबाउट टीएसडी. सवाल यह है कि जो टीएसडी जैसे यूनिट बनी सर, मैंने एक बात नोट करी सर इनिशियली, बिकॉज आई हैव अ कोर्समेट, अगेन आई विल नॉट टेक हिज नेम, ही सर्विंग सर, ही सर्विंग ब्रिगेडियर, वो एसएफ में है सर. एंड ही ऑल्सो टोल्ड मी दिस दैट किस तरीके से एम्प्लॉय करना है पैरा एसएफ को. अ लॉट ऑफ पीपल
he did not use the word suspicion. I am using the word suspicion. Ki people are very suspicious about things that don't fall into that correct bracket, sir. ये आपने फेस करा सर ये टीएसडी देखो मैं एक चीज बताता हूँ आपको हम लोग ना बड़ा कॉमनली एक वर्ड यूज फ्रेज यूज करते हैं आउट ऑफ द बॉक्स ये बोलने के लिए और एक बुकिश उसके लिए ठीक है बट जब ब्रास्टैक्स की बाती आती है पीपल हैव अ हेजिटेंस दे हेजिटेट रेजिस्ट करते हैं ये है ये देखा जो जो भी थोड़ा सा उस खाके के बाहर है उसमें घंटियां बजती हैं तो फौज में तो बजेंगी सर बिकॉज इट्स अ वेरी स्ट्रेट जैकेटेड मे नॉट बी द राइट वर्ड बट इट्स अ वेरी फॉर्मल सॉर्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एक हायरार्की है सर आप देखो ना कि हमारे में ड्रिल भी कैसे करनी है पता लिखा गया है हमारे में शर्ट कैसे पहननी है उसका बटन कौन सा खुला होगा कौन सा बंद होगा वो लिखा गया है आप बेल्ट किस लेवल पे चौथे उस पे बांधोगे बटन पे वो भी लिखी हुई है तो हम लोगों की जो ट्रेनिंग है बेसिकली वो बहुत यू नो स्ट्रिक्ट और स्ट्रक्चर्ड है कि आप इसके बियॉन्ड जा नहीं सकते हो अब उस सिचुएशन के अंदर आप अचानक मतलब कभी कोई आपको एक जनरल मिलेगा जो कह देगा कि आई अंडरस्टैंड हाँ कि आई अंडरस्टैंड और कर दो जैसे जनरल हरबख्श ने बोला था कि क्रिएट पैरा कमांडोज हाँ सो कर्नल मेक सिंह वाज देयर ही सेड कि मैं ये कर दूंगा तो कर दो कर दो हाँ। वो फिर जनरल हरबख्श टाइप के कमी होते हैं सर वो कभी कभी मैं सर आई विल गिव यू एन एग्जांपल सर देन वी विल दिस थिंग आई वाज अ नाहन सर तो मैं गया सर एसएफटीएस स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल तो वहां पे गया तो उनके ऑफिसर्स मेस में मैं बैठा हुआ था ऑफिसर्स मेस में आप कैसे जाएंगे सर ट्राउजर शूज शर्ट टक्ड इन एंड वेयरिंग अ जैकेट विदाउट अ टाई मैंने पैरा एसएफ के ऑफिसर्स को देखा सर शॉर्ट्स पहन के आई वाज वेरी सरप्राइज्ड आपको मैं बताता हूं क्या है वो कल्चरली उनका पैराज का एक अलग कॉन्सेप्ट है सर वो शॉर्ट्स पहना था हाँ बिल्कुल ठीक है आप कभी पैरा के मेस में गए रहने आप मेस में जाओगे आप जैसे नॉर्मल यूनिट्स के मेस होते हैं दे इट्स लाइक दे कैन बीट अ फाइव स्टार होटल बिल्कुल प्रिम एंड प्रॉपर इनके अंदर लिटरली एक फोल्डिंग कॉट मिल जाए तो आपकी किस्मत है आज सोने को बिस्तर पड़े आई थिंक बिकॉज देयर रिक्वायरमेंट इज डिफरेंट They're very operationally inquired. In fact, मैं पहली बार जब गया तो मैं मेरे को किसी ने बोला कि हम आगरा चल रहे हैं तो चल मैं पैरा ब्रिगेड में बात कर लेता हूँ तो मेस में कर दिया मैं पहुंचा मैंने कहा यार ये क्या है सवेरे उठते उठते उसने बोला सर नाश्ता करेंगे मैंने कहा यार ऐसा है कि मैं बेली राम के पास जाके ना वो कचौड़ी खा लूंगा यार आगरा है मतलब आई न्यू कि इनका नाश्ता भी वैसा ही होगा एंड आई थिंक राइटली सो ऑल्सो बिकॉज दे सो उनकी कमिटमेंट और उनकी जो डिप्लॉयमेंट टाइम है वो बहुत अलग है दे कैन नॉट माइंडसेट भी वैसा उनके पास ये एडमिनिस्ट्रेटिव बंदोबस्त के लिए टाइम नहीं है गेरू चूना उसके लिए टाइम ब्रासो शरासो ये सब है ही नहीं चक्कर वहां पे ना पैरा से सो टीएसडी में भी यू हैड अ सिमिलर सॉर्ट ऑफ अ कल्चर वेयर यू सेड कि बॉस लेट्स टॉक ऑप्स बॉस एक सेट पैंट शर्ट इसीलिए रखा था कि कभी आर्मी हेडक्वार्टर जाना पड़े तो पहनने के लिए होना चाहिए सर ये तो लिटरली मतलब जो पहन लो चल दो काम से मतलब है सर आई वॉज ट्रेवलिंग आई वॉज लिटरली ईटिंग अ मील एवरी थर्ड डे इन अ फ्लाइट जीन्स पहनी होती थी टी शर्ट रखी होती थी एक छोटी सी अटैची थी बाहर निकले दूसरी अटैची ले ली पहली दे दी चल दिए कि इसमें कपड़े धुलवा के आई वॉज दैट वे प्रिविलेज क्योंकि मैं कमांडर था मैं फुल कर्नल था तो मेरे को एक लड़का मिला हुआ था ठीक है वो भी बेचारा सिविल में रहता था मैं भी सिविल में रहता था तो वो मेरे वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल के धुलवा के बाजू की वो जो धोबन थी उससे प्रेस करवा के पैक करके रखता था कि पता नहीं अब ये कब पहुंचेगा तो एयरपोर्ट पे जाके बार गेट पे एक्सचेंज होना है वहीं से वहीं दूसरी फ्लाइट सो थैंक यू सो मच सर आपने हमारे साथ बात करी सर बड़ा अच्छा लगा रिलीव्ड सम ओल्ड मेमोरीज इन द सेंस की हमारी जो इंस्टीट्यूशनल मेमोरीज है फौज की वो तो एक ही है सर नेचुरली सो वो हमारा बेसिक डीएनए है सर वो तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों विद कर्नल हनी बख्शी सर ने बताया जो टेक्निकल सर्विसेज डिवीजन है ये बहुत एक टॉप क्लास टॉप सीक्रेट एक ऑर्गेनाइजेशन इंडियन आर्मी के अंदर बनी थी जनरल वीके सिंह जो अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं तो जनरल वीके सिंह साहब के अंडर बनी थी और कर्नल साहब वहां पे इसके हेड थे वो जो फिल्म आपने देखी होगी अयारी इसी मुद्दे के ऊपर बनी थी किस तरीके से जनरल वीके सिंह को लोगों ने पैसा देने की कोशिश करी जनरल साहब बीइंग एन अपराइट ऑफिसर इमीडिएटली वेंट टोल द डिफेंस मिनिस्टर फिर बोला कि टीएसडी साहब वो पॉलिटिशियंस के यू नो फोन टैप कर रही है बड़ी सारी चीजें आज की तारीख में टीएसडी नहीं है लेकिन वो यादें हैं और आपकी तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से हम कर्नल हनी बख्शी सर का धन्यवाद देना चाहते हैं कि वो यादें हमारे साथ दोबारा उन्होंने रिलीव करी सर बहुत बहुत धन्यवाद जयंत सर
एंड दोस्तों आई विल सी यू अगेन नेक्स्ट वीक विद अनदर स्पेशल गेस्ट. थैंक यू वेरी मच.